हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 16.1 क्लास ऑन बोर्ड कक्षा 10। ठीक है, इस हल करने जा रहे हैं आप, तो आराम से पढ़ें। पहला क्वेश्चन, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, तो एल कितना? 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर दो चीज पूछ रहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 एलबी प्लस बीएच प्लस एच एल, इसी का सूत्र होता है। ठीक है, तो 2 एल की देते हैं 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 9, 2 12 डाली 108 प्लस 9 पंजो 45 प्लस ये लास्ट में 12 होता है, ये बदल दीजिए 12 पंजो 60, जोड़ेंगे कितना होगा? 105 लाइन दोनों तोड़कर 105 और 108 213 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का आयतन भी पूछ रहे हैं यहां पर, क्या होता है? एलबीएच मतलब तीनों गुणा करते हैं 12 गुणा 9 गुणा 5, 12 गुणा 108, 108 गुणा 5 करेंगे तो 8 गुणा 40 540 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में देखो यहां पर क्यूब होता है और क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। ये पहला सवाल है अपना, आराम से करो, मैं बोर्ड में बिठा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 घनों के भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में माना नए घन की भुजा 8 है, ठीक है, और बाकी दे रखे हैं A1 दे रखी है, छोटे घन की भुजाएं दे रखी है 8 सेंटीमीटर, A2 दे रखी है 6 सेंटीमीटर और A3 दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तीनों घन है। अब देखो इन तीनों घनों को पिघलाकर बड़ा घन बनाया गया है, तो आयतन तो सेम ही रहेगा दोनों का, तो बड़े घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतन का योग, ठीक है। देखो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, यहां पर A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब, इधर है 8 की घात 3, 6 की घात 3 और 1 की घात 3। 8 की घात 3 कितना होता है? 512 और 6 की घात 3 216, 1 की घात 1 कितनी लगा हो? 1 ही होता है। सपोज जोड़ेंगे 6 2 8 1 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 1 क्यूब 729 का घनमूल क्या होगा? अंक उन्तीस निकालो, 3 अंक जोड़े बनाते हैं, जो प्रथम अंक है उसका घन करते हैं 9 9 81 81 गुणा 9 करेंगे 729 होता है, तो यही आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर एक भुजा पूछ रहा था, इस दूसरे में नए घन का क्षेत्रफल पूछ रहा था, नए घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा 9 गुणा 9 81 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा? यहां पर यह आएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को बताना कि इस तरह की प्रश्नावली पढ़ाई जा रही है, आप देख लें एक बार।
कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से आराम से पढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर है, इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखो उसके क्षेत्रफल के बराबर कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संदूक घनापाकार होती है तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये सूत्र होता है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, ये है 50, 36 और 25, तो 50 गुना 36 प्लस 36 गुना 25 प्लस 25 गुना 50, ठीक है। तो 2 गुना इनको हल करते हैं, ठीक है, ये 1800 प्लस 900 प्लस 25 125, ठीक है, जोड़ते हैं होती है 27 और 12 39, ठीक है, 3950 जोड़ेंगे तो कितना होगा। देखो 0 0 से 0 तो ड्राइविंग भी सकती है, 3 6 7 स्क्वायर, इतने कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। छोटा सवाल था ये, तो उतारो आराम से। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक गंगा प्रत्येक पृष्ठ 16 सेमी है, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग के समूह पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मैं यहां पर एक घन बना रहा हूं, ठीक है, घन कैसा होता है, इसकी प्रत्येक पृष्ठ 100 सेमी की है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, इसी तरह से ये भी 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की। अब ऐसे कह रहा है कि आधार के समांतर, आधार के समतल आधार के समांतर यहां से इसको काट दिया जाए बीचों बीच से, ठीक है, इस तरह से काट दिया जाए तो जो प्रत्येक समतल निकलेगा ऊपर का या नीचे का उसका क्षेत्रफल तो 100 ही रहेगा ना, तो ऊपर का 100 रहेगा और नीचे का 100 रहेगा, ठीक है, तो फर्क किस में पड़ेगा, बगल वालों पर। तो देखो लंबाई कितनी रहेगी इसकी, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 रहेगी और ऊंचाई आधी हो जाएगी ना, तो ये क्या बन जाएगा घनार्क, तो घनार्क का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, 2 गुना 10 गुना 10 प्लस 10 गुना 5 गुना प्लस 5 गुना 10, 2 गुना 10 जाएगा 100, 400 वर्ग सेमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो बड़ा जरूर है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी बना हुआ है, इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है, इसके अंदर की ओर पेंट करने का खर्च ज्ञात कीजिए, पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी है। तो देखो बाहर की लंबाई चौड़ाई हम बड़े अक्षर ले लें, LBH कितना कितना दे रखा है, 146 सेमी, ये हो 116 सेमी और ये 178 सेंटीमीटर। अब ये अंदर की पूछा है, लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो देखो लंबाई जैसे मान लो मैं बना रहा हूं, मैं सामने एक संदूक बना रहा हूं, ठीक है, ये इस तरह से। अब देखो इसकी
संदूक की जो मोटाई है मतलब इसकी जो मोटाई है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर इधर को 3 सेंटीमीटर इधर घटा देंगे अगर अंदर निकाल दिए तो स्मॉल एल बराबर 6 सेंटीमीटर घट जाएगी इसमें से, तो 140 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये 116 में से 6 गए तो 110 सेंटीमीटर, और 83 में से देखो ऊपर ढकन लिए इसके तो नीचे नीचे करके की मोटाई घट जाएगी 3 सेंटीमीटर, तो ये 80 सेंटीमीटर। अब संदूक का अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, तो संदूक का अंदर का क्षेत्रफल देख क्या होगा, जो घनाभ का क्षेत्रफल है माइनस क्या कर देंगे हम ऊपर की जो सतह है इसमें क्या है लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है, तो लंबाई होना चौड़ाई होगा ऊंचाई ये घटाएंगे, तो क्या हुआ सूत्र लिखो 2 LB + BH + HL - LD, 2 140 + 110 + 80 + 80 × 140 - लंबाई और चौड़ाई 140 × 110। हल करते हैं इसको, ठीक है, देखो धीरे धीरे हल तुम खुद ही कोशिश करो हल करने की, हर बार हल करवाने से क्या होगा तुम्हारी कैलकुलेशन कमजोर हो जाएगी, तो मैं इसका टोटल निकाल देता हूँ, ठीक हो जाएगा 5401 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो ये इसका क्षेत्रफल होगा रन का वाली होगा। अब पेंट का खर्चा क्या होगा, पेंट करवाने का खर्च, तो पेंट करवाने का खर्च इन्होंने साफ बोल रखा है कि 2 रुपए प्रति 1000, तो देख क्या होगा 55400 2/1000, तो देखो 2 जीरो काट दिए और 10 का भाग देंगे तो 55.4 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 110.8। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर को बनाता हूँ इसको हल करते हैं, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो इसकी वजह से यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, तो इसे गुणा करेंगे 110.80 ये होता है, ठीक है, आराम से वीडियो को रोक लो यहाँ पर और इसको देख कैलकुलेशन आज आराम से करना, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 दे रखा है, मतलब L + B + H = 19 दे रखा है और विकर्ण की लंबाई बराबर 11 सेंटीमीटर, विकर्ण लंबाई सूत्र क्या होता है L² + B² + H² = 11 दे रखा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कीजिए, देखो इसका वर्ग करते हैं क्या होगा L² + B² + H² = 120 हो जाएगा दोनों तरफ वर्क करते हैं, तो हाँ देखो अब हमारे पास में ये एक नंबर है ये दो नंबर है, इस एक का वर्क करते हैं, देखो L + B + H² = 19 तो L² + B² + H² + 2 LB + BH + HL = 19 का वर्ग कितना होगा, ये होगा 361। L² + B² + H² का मान क्या है यहां पर 121, तो 2 से मान रखते हैं, रखो देखो क्या होगा 121 प्लस ये क्या है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और सूत्र है ना, ये बराबर 361, तो हम ये निकालना है तो इसको ले जाकर घटा देंगे, तो ये चीज यहां लिख रहा हूं 361 - 121 कितना बच रहा है आपका, घटाओ 0
चार दो, 240 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकल जाएगा घनाभ सर्पण पृष्ठीय क्षेत्रफल।